सिंपल ग्रेजुएशन करके मैंने इंडस्ट्री की ओर कदम रखा. बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो अगर ग्रेजुएशन हो तो आई थिंक इज बेटर. अभी जो टाइम चल रहा है वो है नेचुरल एक्टिंग का, है ना. तो अगर आप वो एक्सपीरियंसेस आप जिए हैं उस चीज को तो आप उसको इजीली परफॉर्म कर पाएंगे जब आप रिक्रिएट करेंगे चीजों को. तो और एक अगर आप एनएचडी से जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां से अगर पास आउट होना चाहते हो तो ग्रेजुएशन इज इम्पोर्टेंट. एंड एफटीआई अपना पुणे है, वहां पर भी आपको जहां से एक्टिंग सीखी जाती है जो कि एक अच्छे लेवल की मानी जाती है, अगर आपको वहां से सीखना है तो आपको ग्रेजुएशन एटलीस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से सर उतने बड़े इंस्टीट्यूट में ना ज्वाइन करते हुए आप थिएटर ज्वाइन करो, छोटे एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप सीख सकते हो कि एक्चुअल में आपको करना क्या है. क्या सर इंडस्ट्री में अगर कोई अपमार्केट ना हो, कोई जोरा ना दिखता हो, कोई ऊंचा ना हो, हैंडसम ना हो, तो क्या उसके लिए इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है? काम तो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि काम है ही नहीं. okay. सबके लिए और अच्छे अच्छे काम है. अपमार्केट से ज्यादा भी अच्छे उनके लिए काम निकल के आते हैं. क्या होते हैं तो काम तो उनके लिए भी ऐसे उसमें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है उनको. तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रेडिट सुन के उठा के तो इंडस्ट्री के बंदे है ही नहीं. अच्छा. सब लोग कोई मध्य प्रदेश से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है. ओके. तो वो उन्होंने कभी मुंबई आया ही नहीं, अपने स्टेट में रह के उन्होंने वो वेब सीरीज या वो शॉर्ट फिल्म डेवलप किए. दोस्तों एक्टर बनना चाहते हो ना, सिंपल ऑडिशन दीजिए. हाँ, ऑडिशन की सही जानकारी मुझसे जुड़िए. विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स.